कॉन्वेक्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है? कॉन्वेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन तो यह है कि रियल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो कभी भी मैग्नीफाइड नहीं होता है, मैग्नीफिकेशन लेस देन वन होता है। लेकिन क्या यही बात वर्चुअल के लिए सही होनी चाहिए? जरा हम लोग चेक करते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। दो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कॉन्वेक्स में, देखो क्या क्या देखना पड़ेगा। रियल में तो हर जगह मालूम है कि वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, डिमिनिश बनेगा, अपराइट होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स के केस में कब इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखी हो कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट इज द रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर वर्चुअल है तो वर्चुअल में हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी कि मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए और रियल और वर्चुअल में क्या रिलेशन होना चाहिए। क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज बना सकता है? ये हम लोगों को चेक करना है, ठीक है। सपोज आपके पास अगर क्वेश्चन अगर एक पूछ लिया जाए कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, तब तो आपके लिए ठीक है। प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है तो भी सही है, क्यों? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बनता है। तो यहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, सपोज दोनों केसेस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द मिरर रे फोकस हो रही है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो दोनों केसेस में यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब इसके इमेज के नेचर के बारे में आपको करना है, इसको बहुत ध्यान से करना, क्योंकि जब जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें परफेक्शन आएगा। तो इसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करो विद कैलकुलेशन, विद प्रॉपर साइन, क्योंकि स्कूल में आपको प्रॉपर साइन लगाने पड़ेंगे। व्हाट इज द टाइप ऑफ द इमेज एंड पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर ए केस? ए केस के लिए क्या आपके पास इमेज की पोजिशन एंड टाइप आ रहा है? रियल आ रहा है और कैसा, अपराइट या इन्वर्टेड? मैग्निफिकेशन के बारे में देखो, पहले हम लोग पोजीशन निकाल लें। देखो अगर ऑब्जेक्ट जनरलाइज केस देखें तो जनरलाइज केस ऐसा बनेगा, ये एक्चुअल केस नहीं है, जनरलाइज केस है कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो रेज ऐसे जाएंगी। ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि जहां पे मीट कर रही वहां पे नॉर्मल बना दीजिए। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दीजिए। जितने एंगल पे ये लाइट की रे इंसिडेंट हो रही उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट कर दीजिए, तो रिफ्लेक्ट होके यहां पर आ गया। और वही काम आपको नीचे करना है। तो ये दोनों हमारे पास यहां पे मीट करेंगे तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए सपोज ये आ गया, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास ऐसा आ गया, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर आ गया, ठीक है। अब दोनों मीट कर रही हैं आफ्टर इंट्रैक्शन विद द मिरर, तो रियल बनना है, ठीक है, इस केस में, जनरलाइज केस में। तो पहले हम लोग रखते हैं वैल्यू, यू की वैल्यू 10, एफ की वैल्यू +20, फॉर्मूला लगाया, v की वैल्यू हमारे पास -20 आई, ठीक है। क्योंकि यहां पे हमें कोई भी साइज नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, इसलिए मैं यहां प्राइट और इसके बारे में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन आप कैसे सोचोगे, मैग्निफिकेशन अगर लॉन्गिट्यूडनल होता तो मैग्निफिकेशन -v/u होता है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमेशा -v/u होता, आई अपान ओ के बराबर होता है। लेकिन चलो यहां पॉइंट है, लेकिन जनरलाइज वे में ये, अगर यहां पे लॉन्गिट्यूडनल भी होता तो -v/u करते, तो माइनस माइनस यहां पे कैंसिल होके, ठीक है ना, प्लस हो जाता है और यहां पे 2 हो जाता है। मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया, अप टू दिस पार्ट इज ओके। अच्छा अब यहां पे देखते हैं, ये +2 हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो एक चीज, जनरलाइज नहीं करते हम लोगों ने, कॉनकेव के लिए जनरलाइज कर दिया था कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस होगा तो वर्चुअल, माइनस होगा तो रियल। लेकिन हम लोग यहां पे कॉन्वेक्स के लिए ऐसा जनरलाइज नहीं कर सकते, इट इज नॉट ऑल टाइम ट्रू। आप देख रहे हो कि अगर हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ऐसी सिचुएशन नहीं हर जगह पॉसिबल है, कॉन्वेक्स के इस केस के लिए पॉसिबल नहीं है, कॉनकेव के लिए जरूर पॉसिबल है।
आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको ये कोई स्टेटमेंट याद तो रहेंगे नहीं, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि कहां पे मैग्निफिकेशन प्लस और कहां पे माइनस होता है, अदरवाइज स्टेटमेंट याद रखना वैसे पॉसिबल नहीं होता। ये समझ में आ गया ना? तो देख रहा हूं कि आपके पास प्लस मैग्निफिकेशन है तो भी हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट बन, रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहां पे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर जगह प्लस और माइनस से ही हम लोग करते हैं। कॉन्वेक्स में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो फिर हमारे पास प्लस भी हो सकता है। सेकेंड केस का कैलकुलेट किया आपने, सेकेंड केस में ये दिया हुआ था, देखो ये वैल्यू 30 सेंटीमीटर। जरा 30 सेंटीमीटर के केस में नेचर ऑफ इमेज के बारे में सोचिए। सेकेंड केस करें, देखो u की वैल्यू प्लस 30 का मतलब क्या है कि फोकल लेंथ के बियॉन्ड राइट साइड में। पिछली केस में 10 सेंटीमीटर था फोकल लेंथ और पोल के बीच में, ये फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हम लोग अब कौन सा रीजन एनालाइज कर रहे हैं? वर्चुअल इमेज का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रीजन डिसाइड कर रहे हैं फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की। यू का साइन यहां पर भी प्लस, यू का साइन यहां पर भी प्लस होगा, एफ का साइन प्लस। वैल्यू रखी वी की वैल्यू +60 आई। +60 का मतलब क्या हो जाएगा? राइट साइड ऑफ द मिरर। बदलाव इसका मतलब क्या हो जाएगा? राइट साइड ऑफ द मिरर इस तरफ बनेगा। राइट साइड ऑफ द मिरर अगर बन रहा है तो रियल होगा या वर्चुअल होगा? वर्चुअल होगा, क्योंकि मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो इमेज बनता है वो रियल होता है। ये बैक साइड बन रहा है क्यों? प्लस है, मतलब पोल के राइट साइड में। पोल के राइट साइड का मतलब क्या हुआ? बैक साइड ऑफ द मिरर हुआ। तो ये कैसा हो जाएगा? वर्चुअल, ठीक है। और इसका भी मैग्निफिकेशन क्या है? 1 से ज्यादा है, लेकिन यहां पे कैसा आ रहा है? माइनस आ रहा है। माइनस आने का मतलब इन्वर्टेड, एकदम अपोजिट केसेस आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल इमेज है, इन्वर्टेड है, तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं पे भी क्वेश्चन जनरलाइज स्टेटमेंट आ गया कि मिरर कैन फॉर्म, ठीक है, जनरलाइज आ गया कि मिरर से जो इन्वर्टेड होगा वो रियल इमेज होगा, तो ये हर केस के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। इवन जनरलाइज स्टेटमेंट आ गया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म द रियल इमेज, तो रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है। किस केस में रियल होगा? जब फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो रियल होगा। अगर फोकल लेंथ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तो कैसा हो जाएगा? वर्चुअल होगा। लेकिन एक चीज जरूर यहां पर कंफर्म है कि वर्चुअल इमेज का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मैग्निफाइड जरूर होता है, ठीक है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो मैग्निफाइड होता है, ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन ये बहुत यूजफुल पॉइंट है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑप्टिक्स में यही क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा जैसे थ्योरेटिकल पेपर है, लेकिन थ्योरेटिकल नहीं। जब आप यहां प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये थ्योरी वाले पार्ट दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको कुछ चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, वहां पे सीधे टिक करोगे, राइट। हम लोग आगे चल सकते हैं ना, ठीक है। इसमें काफी क्वेश्चंस, आप हर टाइप के क्वेश्चन करोगे तो ही सही क्वेश्चन आप टिक कर पाओगे। अदरवाइज क्या है कि वहां पर एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आ गया तो पॉसिबिलिटी सोचना मुश्किल हो जाता है। आपके पास अगर एक कोई थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है और आप वहां पे हर पॉसिबिलिटी सोच रहे हो तो उस टाइम में हर पॉसिबिलिटी सोच नहीं पाते। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस में ही जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सोच ले तो उधर सही कर पाएंगे। आगे बढ़ सकते हैं ना, कॉन्वेक्स के बारे में समझ में आ गया। अब देखो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम लोग को मालूम है कि ऑब्जेक्ट लेंथ और इमेज लेंथ इक्वल होती है हर केस में। जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होती है उतनी डिस्टेंस इमेज की होती है। रियल भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि वर्चुअल इमेज हमेशा बनता है रियल ऑब्जेक्ट से, और रियल इमेज जो बनेगा
वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से बनेगा, राइट? मतलब आपके पास अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रियल, राइट? अब सपोज ऐसा दिया हुआ है, इसमें कई जगह विजुलाइज करना पड़ता है। प्लेन मिरर इज प्लेस 22.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट इमेज की बात कही जा रही है, क्योंकि इससे तो मल्टीपल इमेज बनेंगे, क्योंकि लाइट रे है वो बार बार इंसिडेंट होगी, तो केवल फर्स्ट इमेज की बात की जा रही है, मतलब हमें एक बार इमेज बनाना है। इस सिचुएशन का डायग्राम कैसे सोचेंगे? आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे डायग्राम नहीं होते, सोचने पड़ते हैं डायग्राम। आप इसका डायग्राम सोचेंगे कैसे? मतलब आपने पहले मिरर और दोनों मिरर को आपने ड्रॉ किया, किस तरह से बना? हम लोग इस तरह से कुछ दोनों मिरर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? एनी पार्ट ऑफ द मिरर, कोई जरूरी नहीं कि मिरर ये पूरी लेंथ तक जाए, ये थोड़ा सा मिरर हम लोग यहां रख सकते हैं, ठीक है? या नीचे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रखा जा सकता है। अगर हम लोग यहां पे मिरर रख देते, ठीक है, पूरी लेंथ पे भी रख देते सामने, तो भी हमारे पास ये प्रोसेस हो सकता था, ठीक है? लेकिन यहां पे देखते हैं कि किस तरह से देखना है, कि हमारे पास ये कॉनकेव है और ये प्लेन मिरर है, ये दोनों एक दूसरे को फेस करने चाहिए। क्यों फेस करने चाहिए? क्योंकि आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट अगर बीच में रखा होगा तो इमेज जो बनेगा प्लेन मिरर का वो बैक साइड बनेगा, और ये रियल ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो बनेगा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर कॉनकेव मिरर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पोजीशन है वो यहां पे बन सकता है, ये कोइंसाइड करने की पोजीशन हो सकती है। यहां तक समझ में आ गया? ये डायग्राम हमें सोच के बनाना पड़ता है, ठीक है? इसी वजह से हमने इस मिरर को पूरी लेंथ तक नहीं किया। पूरी लेंथ में अगर हम लोग कर देते तो ये वाला जो इसका जो इमेज आता है यहां रिफ्लेक्ट हो जाता, ये रियल इमेज बन रहा है, समझ गए ना? इसलिए हम लोग इस मिरर को क्या करेंगे, स्मॉल साइज का रखेंगे, या प्रिंसिपल एक्सिस से एक साइड ऊपर रखेंगे, ठीक है? अप रखेंगे प्रिंसिपल साइड के, या डाउन रखेंगे, तभी हम लोग बना पाएंगे। जैसे यहां देखिए तो डाउन आएंगे तो यहां पे अप रखना पड़ेगा, राइट? यहां तक समझ में आ गया? अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 22.5, फोकल लेंथ कॉनकेव की है 10, तो ये 22.5 में रख दिया आपने, बीच में कहीं आपने ये रख दिया, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 22.5 माइनस एक्स, तो ये इमेज कहां पे, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 22.5 माइनस एक्स, क्योंकि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई 22.5 माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगी 22.5 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब देखो इससे एक चीज क्लियर हो गई, इस कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक्स और इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 22.5 प्लस 22.5 माइनस एक्स, क्योंकि यहां से इसके इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 22.5 माइनस एक्स होगी। अब आपको कॉनकेव मिरर के लिए यू मालूम है, कॉनकेव मिरर के लिए वी मालूम है, प्रॉपर साइन कन्वेंशन हम लोगों को यूज करना है, अननोन क्वांटिटी के लिए साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते। अब हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? अब चेक कर लें, ठीक है ना? प्लेन मिरर के लिए 22.5 इन बैक साइड हो जाएगा, कॉनकेव मिरर के लिए 22.5 प्लस 22.5 माइनस एक्स, लेकिन अब बताओ साइन क्या होना चाहिए, वी का साइन क्या होना चाहिए, माइनस, क्योंकि लाइट रे ऐसे आ रही है तो ये माइनस, यू का साइन हमारे पास ये क्या है, माइनस है, ठीक है ना? यू का साइन माइनस है, वी का साइन माइनस है। अब हम लोग यहां पे रख दें वैल्यू, एफ का साइन क्या है, माइनस है,
ओके इससे हम लोगों को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी दो पोजीशन आएंगी एक्स इक्वल टू 30 और एक्स इक्वल टू 15 लेकिन एक्स की कौन सी वैल्यू हम लोग यहां जस्टिफाई करेंगे 15 क्योंकि एक्स की वैल्यू 30 नहीं हो सकती 30 का मतलब है कि यहां पे रखा हुआ है पॉलिस के दूसरे साइड में जो पॉसिबल नहीं है ठीक है मैथमेटिकली तो पॉसिबल है 30 सेंटीमीटर ये लेकिन यहां पे ऑप्टिक्स की सिचुएशन से देखें तो उसके अकॉर्डिंग एक्स यहां पे इस रीजन में आएगा और यहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते ये वाली बात अच्छे से क्लियर है फाइनलाइज करके ये वैल्यू आ जाएगी अप टू दिस पार्ट ओके ठीक है